जंगली जानवरों के शिकार हो जाते थे या आग लग जाती थी, वो सब उसके बारे में पढ़ेंगे। भोपाल में जो हुआ था और चेर्नोबिल में जो हुआ था उसके बारे में भी पढ़ेंगे। स्टूडेंट मूवमेंट जो पेरिस में और बीजिंग में हुआ था 1968 और 89 में, उसके बारे में पढ़ाया जाएगा। सिविल राइट मूवमेंट्स मार्टिन लूथर और मालकम एक्स के पढ़ाए जाएंगे। मूवमेंट फॉर डेमोक्रेसी या अरब स्प्रिंग और वुमेन मूवमेंट इशू एंड डिबेट, फोकस स्पेशली किस पे फोकस किया गया है, वुमेन मूवमेंट्स में ब्लैक फेमिनिज्म, फेमिनिज्म इन द इस्लामिक वर्ल्ड, इस्लामिक वर्ल्ड में फेमिनिज्म की क्या भूमिका है और ब्लैक फेमिनिज्म क्या है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। मेनली ये जो पूरी यूनिट है इसमें हम सारे मूवमेंट्स पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट है हमारी अ ग्लोबल कल्चर। ग्लोबल कल्चर को चार यूनिट्स चार टॉपिक्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है स्पेक्टर स्पोर्ट की, मतलब दर्शक क्या स्पोर्ट्स के बारे में सोचते हैं, क्या क्यों देखते हैं, क्या करते हैं, वो सब। सिनेमा एंड डिजिटल मीडिया, साफ साफ समझ में आ रहा है सिनेमा और डिजिटल मीडिया के बारे में पढ़ेंगे। म्यूज़िक जो कल्चर में है हमारे, जस्ट लाइक मतलब एक पुराना ही वो संगीत टाइप समझ लो कि वो सितार बजना, फ्लूट और वो सब जो आम तौर पे इंडिया के रहे हैं वो सब। और फूड एंड ग्लोबलाइजेशन की खान पीन क्या है और वैश्वीकरण क्या है, उस सब के बारे में पढ़ाया जाएगा। सो आपके रेफरेंस में इसमें जो बेस्ट बुक है, एक महाजन है और एक चौधरी की बुक है। आप इनकी राइटर की आपको ये फ्लिपकार्ट पे और बाकी सब जगह पे भी अवेलेबल है, आप देख सकते हैं आराम से इस बुक को। सो आपको इसमें कोई डाउट हो, इस सिलेबस को समझने में कोई भी दिक्कत आई हो, मुझसे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी पूछ सकते हैं। ओके, सो इसकी क्लासेस भी हम आपको बहुत जल्द प्रोवाइड करवा देंगे। सो आप लोगों को आई होप सिलेबस बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है पढ़ने में, बहुत ज़्यादा सिंपल है, सिर्फ इंटरेस्ट की बात है। आप अपना इंटरेस्ट बनाओगे तो बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो। ओके, सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ